नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया और इसी दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे। पीएम कल अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, इससे पहले वो 80 घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे, साथ ही काल भैरव की पूजा भी करेंगे। पीएम पिछले 2 चुनाव वाराणसी से भारी अंतर से जीत चुके हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के जश्न में डूबी काशी है, ये गंगा के मानस पुत्र के भव्य रोड शो में उमड़ी काशी है, ये नरेंद्र मोदी की राजनीति के लिए शक्तिपीठ बन चुकी काशी है, जो सुबह 3 बजे से ही प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियों में जुटी है। ये वो काशी है जिसके बारे में दावा ये है कि 24 में मोदी वोट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ये दावा इसलिए क्योंकि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहर को आधुनिकता की नई पहचान दी है। नरेंद्र मोदी की काशी देश में विकास और विरासत, प्राचीनता और आधुनिकता का नया संगम है। देश की राजनीति में काशी नरेंद्र मोदी के लिए शक्तिपीठ इसलिए है क्योंकि मोदी की वजह से ही महाकाल की सनातन नगरी को नया अवतार मिला। मोक्ष देने वाली काशी को आधुनिकता का विश्व रूप मिला है। 2014 से पहले जिस काशी का धार्मिक और राजनीतिक वजहों से तिरस्कार हुआ, 2014 से पहले काशी सैकड़ों साल से जिस अव्यवस्था और गंदगी से जकड़ी हुई थी, नरेंद्र मोदी के आने के बाद काशी का कायाकल्प हो गया। काशी आज पूरी दुनिया में इस बात की मिसाल है कि किसी शहर को कम वक्त में कैसे बदला जा सकता है। इस वक्त हम गुजरते हुए, एक तरफ मस्जिद भी है, दोनों तरफ देखे छतों पर लोग खड़े हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी का कायाकल्प किया है। मतलब आपको समझना होगा कि ये हिंदू मुसलमान की दीवार को पीछे छोड़ते हुए लकीर बहुत लंबी खींची है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार वोटों का वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बनाने जा रहे हो। वाराणसी आज कहता है कि नरेंद्र मोदी को चुनने के बाद यहाँ जो आज है वो कल से बेहतर है और जो कल होगा वो आज से और शानदार होगा। खुद काशी कहती है कि मोदी का कर्म क्षेत्र बनने के बाद ये शहर का स्वर्ण काल है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में काशी को 60,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं मिली। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष शुरू हुआ, 750 करोड़ की लागत से रिंग रोड बना, काशी को मल्टी लेवल पार्किंग मिले, हाईवे का चौड़ीकरण हुआ, 430 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिला, काशी में पहली बार रोप वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हुई, 60 करोड़ रुपए में हेलीपैड वाला नमो घाट बना, 720 जगहों पर 3000 सीसीटीवी कैमरे लगे, गाजीपुर सड़क पर 3 लेन का फ्लाईओवर मिला, दशाश्वमेघ घाट पर क्रूज सर्विस और ड्रोन शो की शुरुआत हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गंगा नदी के जरिए काशी सीधे महासागर से भी जुड़ने जा रही है। काशी का सांसद बनने के बाद मोदी ने प्राचीनता के आधार पर बनारस को आधुनिक बनाने का वादा किया था और नरेंद्र मोदी ने काशी से अपना वादा पूरा भी किया। नरेंद्र मोदी ने प्राचीन काशी को आधुनिकता की जो नई पहचान दी, उसी की वजह से 10 साल से यहाँ मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। आज मोदी का रोड शो है, कल नामांकन और नामांकन वाले इस शक्ति प्रदर्शन में 2024 की भव्य जीत का ट्रेलर भी है। चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोटिंग हुई। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में विधानसभा चुनाव के लिए भी वोटिंग हुई है, तो वहीं लोकसभा के कुल 1,717 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। लोकसभा के महापर्व के लिए चौथे चरण के लिए वोटिंग संपन्न हुई। चौथे चरण में कुल 96 सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मनपसंद प्रत्याशी के लिए वोटिंग की।
चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटें, तेलंगाना की सभी 17 सीटें, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11 सीटों के अलावा ओडिशा की 4, पश्चिम बंगाल की 8 सीटें, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हुआ है। श्रीनगर और शोपियां के अलावा पुलवामा, गांधरबल, बनगाम में भी बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने के लिए निकले। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर में चुनाव हुए और इस दौरान वोटर्स में उत्साह नजर आया। वहीं अब्दुल्ला परिवार के 3 जनरेशन फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और उनके बेटे जामिर अब्दुल्ला आज एक साथ मतदान करने पहुंचे। वहीं सेलिब्रिटी भी पोलिंग बूथ पर नजर आए और भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने राइट्स का इस्तेमाल किया। SS राजमौली, अल्लू अर्जुन, चिरंजीवी, NT रामाराव जूनियर, पवन कल्याण ने भी आज वोटिंग की। पश्चिम बंगाल में 2 विश्व कप विजेता क्रिकेटर कीर्ति आजाद और यूसुफ पठान बंगाल की राजनीतिक पिच पर किस्मत आजमा रहे हैं। चौथे चरण के दिग्गजों की बात करें तो BJP के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह, TMC की महुआ मोइत्रा, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, BJP के साक्षी महाराज समेत कई दिग्गजों की किस्मत EVM में कैद हो चुकी है। अब इंतजार 4 जून का है जब नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। 2024 लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 96 सीटों पर वोट डाले गए। वैसे तो इस चरण में कई दिग्गजों का मुकाबला रहा, लेकिन हैदराबाद की सीट आज सबसे ज्यादा चर्चा में रही। चौबीस लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर वोट डाले गए। वैसे तो इस चरण में कई दिग्गजों का मुकाबला रहा, लेकिन हैदराबाद की सीट आज सबसे ज्यादा चर्चा में रही। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यहां के मौजूदा सांसद हैं और इस बार भी वो पार्टी के उम्मीदवार हैं। वहीं उनका मुकाबला इस बार BJP की माधवी लता से हो रहा है, जिनके एक वीडियो ने सियासत को बढ़ा दिया है। माधवी लता आज वोटिंग के दौरान एक बूथ पर बुरका पहनी महिलाओं की पहचान चेक करती दिखी। माधवी महिलाओं से बुरका उठाकर वोटर आईडी कार्ड और दूसरे पहचान पत्र से मिलान कर रही थी, लेकिन माधवी के इसी वीडियो ने हंगामा खड़ा कर दिया। AIMIM नेता वारिस पठान ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट करते हुए मामले में चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की, तो TMC नेता साकेत गोखले ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। मामला बढ़ते ही माधवी लता के खिलाफ चुनाव के दौरान बाधा पहुंचाने के मामले में कई धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया गया। वहीं माधवी लता ने आरोप लगाया है कि बूथ के 100 मीटर के भीतर AIMIM के पक्ष में नारे लगाए जा रहे थे और कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में माधवी लता ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। पुलिस ने केस बुक किया है आपके अगेंस्ट में, क्या कहेंगे आप? अभी आप ही देख रहा है, 100 मीटर भी नहीं था, 50 मीटर के अंदर उतना भी नहीं था, मतलब MIM पार्टी का नारे लगा रहे थे। क्या कर रहे थे पुलिस? आपने स्वयं देखा ये बात, हर मीडिया ने देखा ये बात कि 50 मीटर भी नहीं था, लेकिन वो लोग नारे लगा रहे थे। उसको बोलने के तक नहीं है पुलिस को। आपको लग रहा है कि फेयर नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। अब सवाल ये उठता है कि क्या BJP उम्मीदवार माधवी लता के आरोप सही है, और अगर हैं भी तो क्या किसी उम्मीदवार के पास ये अधिकार है कि वो मतदान केंद्र पर किसी मतदाता के पहचान पत्र की जांच कर सके? माधवी लता की माने तो विरोधी दल के लोग बूथ पर चक्कर लगा रहे थे और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, ऐसे में वो खुद चेकिंग करने लगी। मैं कैंडिडेट हूँ और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड विद द फेस विदाउट द फेस मास्क। आई एम नॉट अ मेल, आई एम अ फीमेल। अब बात दूसरे सवाल की कि क्या उम्मीदवार किसी मतदाता के पहचान पत्र की जांच कर सकता है या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं।
चुनाव आयोग के मुताबिक किसी भी मतदाता के पहचान पत्र की जांच का अधिकार सिर्फ मतदान केंद्र के अंदर तैनात कर्मचारियों को ही है। यही नहीं, किसी भी गड़बड़ी की आशंका में पार्टी पोलिंग एजेंट की तैनाती तो कर सकती है, लेकिन उनको भी खुद चेकिंग करने की बजाय कर्मचारियों से शिकायत करने का ही अधिकार है। यहाँ तक कि केंद्र के बाहर तैनात पुलिस कर्मियों को भी पहचान पत्र की जांच का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी मतदाता पर यदि शक होता भी है तो वो केंद्र में तैनात अधिकारी और कर्मचारियों को इसकी जानकारी भर दे सकते हैं, जिसके बाद उनकी जांच की जा सकती है। चुनावों में फर्जी वोटिंग की बढ़ती शिकायतों के बाद आयोग ने इसको लेकर कड़े नियम और कानून भी बनाए हैं, जिसके बाद बुर्का या घूंघट में मतदान करने पहुंची महिलाओं की पहचान के लिए महिला कर्मचारियों को तैनात करने का आदेश, जो बुर्का या घूंघट उठाकर महिला मतदाता की पहचान करने में पीठासीन अधिकारियों को मदद करेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से फर्जी वोटिंग मामले में आईपीसी की धारा 171 घ के तहत 1 साल की सजा का भी प्रावधान है। मध्य प्रदेश में चौथे चरण की वोटिंग के साथ ही प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। चौथे चरण में 71% से ज्यादा वोटिंग हुई। मालवा निमाण की 8 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। चौथे चरण में कुल 74 प्रत्याशियों की किस्मत जनता ने ईवीएम में कैद कर दी है। एमपी में चौथे चरण की वोटिंग के साथ ही लोकसभा चुनाव का संग्राम समाप्त हो चुका है। चौथे चरण में कुल 8 सीटों पर वोटिंग हुई। सुबह से मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ दिखाई दी और लोग कतार में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वोटिंग की। मतदान केंद्र पर सीएम के साथ लोग सेल्फी लेने की होड़ में नजर आए। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पार्टी के वॉर रूम का निरीक्षण किया और चौथे चरण की जारी वोटिंग की जानकारी ली। सीएम ने बीजेपी की जीत का फिर से दावा किया। देखिए, वोट डालना हम सबका सौभाग्य है और इसका मैंने उपयोग किया। मेरा परिवार सहित वोट डाला, पिताजी की सेवा की, उनने वोट डाला, पूरे परिवार के साथ वोट डाला। चौथे चरण में निश्चित रूप की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। वहीं लोकतंत्र के महापर्व में दिग्गजों ने अपने मत का प्रयोग किया। चौथे चरण में सबसे ज्यादा चर्चा में रही इंदौर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने मतदान किया और लोगों से भी वोट डालने की अपील की। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने अपना मत डाला, बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। सारे लोग ये सारे मतदान केंद्रों पर जो भीड़ है वो सब तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भारत प्रगति कर रहा है, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है और उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। आगे भी इस देश की जनता मोदी जी के हाथ में इस देश की बागडोर सौंपना चाहिए। मंदसौर में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा अपने परिवार के साथ वोट करने पहुंचे। मतदान को लेकर उत्साह का आलम यह था कि खंडवा में दूल्हा जयपुर से शादी के बाद घर जाने से पहले वोट डालने पहुंच गया। शाजापुर में भी दूल्हे ने वोटिंग की। इंदौर में 4 जनरेशन ने चौथे चरण के लिए वोटिंग में हिस्सा लिया तो रतलाम में पोलिंग बूथ पर 3 जनरेशन एक साथ पहुंची और वोटिंग की। मंदसौर में पैदा हुए यूएसए में पढ़ाई करने वाले योदित्य गवरिया को जब पता चला कि अपने देश में चुनाव हो रहे हैं तो वे बाकायदा छुट्टी लेकर मतदान करने भारत लौट आए, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। कुछ ऐसी तस्वीर खरगोन से भी आई। यहां सुरभि यादव ने वोटिंग को लेकर अमेरिका जाने का प्लान बदल दिया और मतदान में शिरकत की। चौथे और अंतिम चरण के लिए मध्य प्रदेश में वोटर्स में उत्साह नजर आया। इंदौर में कांग्रेस के नोटा को वोट की अपील के बाद भले ही यह सीट चर्चा में आ गई हो, लेकिन यहां पर शंकर ललवानी की राहत आसान नजर आती है। हालांकि प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है ये 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब बात एक तस्वीर की। बिहार में लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती के नॉमिनेशन के बाद हुई सभा के दौरान तेज प्रताप यादव को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने कार्यकर्ता को धक्का दे दिया। ये देखकर मीसा भारती हैरान रह गई और फिर तेज प्रताप का हाथ पकड़कर उन्हें शांत कराया। आनंद फानंद में आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने उस कार्यकर्ता को मंच से हटाया। दरअसल नामांकन के बाद श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सभा का आयोजन था और इसी कार्यक्रम के दौरान ही ये घटना घटी।
सीबीएसई के बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे आ गए हैं। एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी है। यही नहीं, पिछले साल के मुकाबले इस साल छात्रों का रिजल्ट भी बेहतर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। 10वीं और 12वीं में बेटियों ने कमाल किया और फिर से बाजी मारी। 10वीं के नतीजे 94.75% लड़कियां पास, 92.71% लड़के हुए पास, कुल 93.60% छात्र हुए पास। लड़कों के मुकाबले 10वीं 2.04% ज्यादा लड़कियों ने बाजी मारी है। 10वीं में कुल 22,38,827 छात्रों ने परीक्षा दी थी। इन छात्रों के लिए देश भर में कुल 7,603 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जबकि कुल 25,724 स्कूल के छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। वहीं 12वीं में भी बेटियों का नतीजा बेटों के मुकाबले बेहतर रहा। बारहवीं के नतीजों की बात करें तो 91.50% लड़कियां पास, 85.12% लड़के पास, कुल 87.98% छात्र पास हुए। पिछले साल 12वीं में छात्रों का पास होने का प्रतिशत 87.33% था। वहीं इस साल लड़कों के मुकाबले 6.40% लड़कियां ज्यादा पास हुई हैं। वहीं रीजन की बात करें तो इस साल त्रिवेंद्रम रीजन का रिजल्ट सबसे बेहतर रहा। इस साल 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच हुई थी, जबकि 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 15 फरवरी से 13 मार्च के बीच ली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इसी के साथ ही यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।